इस कहानी में हमने अब तक देखा कि अनाया बस उन तीनों के बारे में जानना चाहती थी। विक्रांत राजावत के बारे में तो उसको सब पता था, अपने पिछले जन्म में उसने इसके सारे कारनामे अपने मुंह से सुनते थे, पर वो इन तीनों से पूरी तरह अनजान थी। उसको विक्रांत राजावत के साथी दल और उसके दुश्मनों के बारे में जानना था। वो ये भी जानती थी कि उससे बेहद कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। अगर उसको फ्यूचर बदलना है, अपनों की जान बचानी है, उनको सेफ रखना है, तो उसको पहले खुद को स्ट्रांग करना होगा और साथ में ही अपने दुश्मनों का पता लगाकर हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहना था। वो ये सब सोच ही रही थी तभी उसका ध्यान विक्रांत राजावत की बातों से टूटता है, जो कि अपने सामने बैठे हुए आदमी से कह रहा था, आप बिल्कुल बेफिकीर रहो, मैं सब सबल लूंगा, सब रेडी है, अब बस एक बार और मित्तल मेंशन और कॉरपोरेशन में इस विक्रांत राजावत की एंट्री और उसके साथ ही उनके बर्बादी की शुरुआत होने वाली है। ये सुनते ही अनाया की आंखें आग उगलने लगी। उसका गुस्सा देख मारिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका शांत करने की कोशिश करती है। अनाया खुद को कंट्रोल करती है। उसके बाद वो विवान और शेखर की तरफ देखकर उन तीनों पर नजर रखो, मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी बात, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अनाया की बात पर दोनों ही उसका हाँ कहते हैं। उसके बाद वो मारिया की तरफ देखकर कहती है, तुम क्या कहना चाहती थी कुछ देर पहले? जिस पर मारिया कहती है, अनु मुझे उन तीनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने इनको कहीं तो देखा है। मारिया की बात पर विवान और शेखर भी कहते हैं, हाँ अनु हमको भी ऐसा ही लग रहा है, पर कहा ये याद नहीं आ रहा है। ऊपर से तीनों ने अपने चेहरे से मास्क को भी निकला, अगर निकाला होता तो जट से पहचान जाते, पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारे ये गैजेट अपना काम करेंगे। उसकी बात पर चारों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उनको अनाया के गैजेट के बारे में बेहद अच्छे से पता था, इनके मदद से वो क्या क्या कर सकते हैं। विक्रांत राजावत और वो तीनों ही उस होटल से जा चुके थे। अनाया, शेखर, विवान और मारिया भी उनके जाते ही वहां से अपना सामान समेट के वहां से जा चले जाते हैं। अब आगे अनाया उस होटल से सीधा मित्तल मेंशन चली जाती है। वो जैसे ही मित्तल मेंशन में कदम रखती है तो उसे हॉल में कोई लड़का बैठा हुआ दिखता है। उसी के आसपास अनाया की पूरी फैमिली बैठी थी, उसके डैड, बड़े पापा, दादू, दादी, बड़ी मॉम, सब उस लड़के को घेर कर बैठे थे। अनाया को उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर अपने परिवार के चेहरे की खुशी से उसे पता चला ये जरूर उनका कोई रिश्तेदार या डैड के दोस्त का बेटा होगा। वो ये सोच ही रही थी कि बड़े पापा की नजर उस पर पड़ती है। वो अनाया को देख के उसको आवाज देके अपने पास बुलाती है। अनाया अपने बड़े पापा के बुलाने से होश में आ जाती है। वो उनके पास जाने लगती है, सबकी नजर भी उस पर गई। बड़े पापा के बुलाने पर अनाया अपना बैग वहां पर खड़ी एक मेट को देती है। वो अनाया का बैग लेके उसके रूम में रखने के लिए चली जाती है। अनाया जाके अपने डैड और बड़े पापा के बीच में बैठ जाती है तो उसकी नजर उसके सामने बैठे लड़के वो जाती है, जो उसी को देख रहा था। अनाया को वो कौन है ये नहीं पता था, अपने पिछले जन्म में भी उसने उसे नहीं देखा था, और देखती भी कैसे, वो हमेशा मित्तल मेंशन दूर जो भागती थी। अनाया के डैड उन दोनों को एक दूसरे इंट्रोड्यूस करते हैं। वो अनाया से कहते हैं, प्रिंसेस ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ऋषि सिंघानिया का इकलौता बेटा अयान सिंघानिया है, और अयान ये मेरी बेटी और इस परिवार की जान। उनके इंट्रोड्यूस करने के बाद दोनों ही एक दूसरे को ही कहते हैं बड़े पापा। अनाया से आगे बोलते हैं, अनुये अब से यही मित्तल मेंशन में ही रहेगा, ये कुछ ही दिन पहले लंदन से आया है, इसका ये पर कोई नहीं है, ये तो अच्छा हुआ आज हर्ष की मुलाकात इससे हुई, तब वो इसे ये पर लेके आया, वैसे भी ऋषि का बेटा है वो, मेरे लिए हर्ष जैसा ही था, अब वो नहीं रहा तो उसके बेटे को इसे अनाथ की तरह नहीं रहने दे सकते, ना तो ये हमारे साथ रहेगा। अनाया कुछ नहीं कहती, बस अपना सिर हिला देती है। वो अपने डैड और पूरी फैमिली से कहती है, ओके आप सब बातें करो, मैं बेहद थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। उसकी बात पर दादी कहती है, हाँ हम तो भूल ही गए थे, तुम जाओ, मैं तुम्हारे रूम में जूस और कुछ खाने को भेजती
हूँ। अपनी दादी के बात पर अनाया कहती है थैंक यू दादी। इतना कहकर वो दादी के गाल पर किस करके वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसकी हरकत पर वहाँ बैठे सभी के चेहरे पे हंसी आ जाती है। बस अयान को छोड़कर शायद ही यूज किसी ने कभी मुस्कराते हुए देखा था। वो जब भी थोड़ी बेहद स्माइल करता वो उसके दिल से नहीं होती फेक ही होती थी। अयान की नजर तो जब से अनाया वहाँ आकर उसके सामने बैठी तब से उसके ऊपर ही थी। वो उसकी गहरी काली आंखें में कई खो गया था पता नहीं, पर उसको उसे देखने के बाद बेहद अजीब सी ही फीलिंग आ रही थी। को की अच्छी थी वो, पहले तो मित्तल मेंशन में रहने नहीं वाला था। वो कुछ भी बहाना करके ये से जाने वाला था, पर अब जब से उसने अनाया को देखा था अब उसको ये से जाने का मन ही नहीं करता और वो यही रहने का डिसाइड करता है। दादू एक सर्वेंट को कहकर अयान को उसका रूम दिखने को कहते हैं जो कि बिल्कुल अनाया के सामने वाला ही था, पर ये बात अयान को नहीं पता थी। अनाया का रूम थर्ड फ्लोर पर था। उस फ्लोर पर सिर्फ 4 ही रूम थे, एक अनाया का जो कि उस फ्लोर का सबसे बड़ा रूम था, बाकी के 2 उसके 2 भाइयों के और एक अभी अयान को दिया था, और जो दूसरा था वो अनाया के रूम से ही अटैच था। वो अनाया का म्यूजिक रूम था जो कि अभी ही कुछ दिन पहले उसके डैड ने उसके लिए रेडी किया था। थर्ड फ्लोर पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी, वहां पर बस जो 2 सर्वेंट फिक्स थे वो ही जा सकते थे, बाकी कोई भी नहीं। फैमिली मेंबर को छोड़ के मित्तल मेंशन 5 फ्लोर का था। फर्स्ट फ्लोर पर बड़ा सा हॉल किचन डाइनिंग एरिया 3 गेस्ट हाउस थे। सेकेंड फ्लोर पर बड़े पापा और बड़ी मॉम का रूम, उसके डैड का रूम और दादी दादू का रूम था। साथ में ही वहां पर 2 स्टडी रूम भी थे जो कि दादू और बड़े पापा के सेपरेट स्टडी रूम थे। 4th फ्लोर पर अनाया के डैड का छोटा सा ऑफिस एरिया और स्टडी रूम था। साथ में उसके ही दूसरे साइड उसके 3 भाइयों के लिए स्टडी रूम रेडी किया हुआ था। और 5th फ्लोर पर 2 रूम और बाकी का सारा एंटरटेनमेंट एरिया था जिसमें मूवी थिएटर, जिम और छोटा सा स्पोर्ट्स एरिया था। मित्तल मेंशन में 5 लिफ्ट थी जिसमें से 1 सर्वेंट के लिए और बाकी की सारी फैमिली के लिए थी। अयान उस सर्वेंट के साथ 3rd फ्लोर पर उसके लिए बनाया हुए रूम में चला जाता है। वो जब रूम में एंटर करता है और उसको देखता है तो उसको रूम अच्छा लगता है, सब उसकी ही पसंद का था। रूम ग्रे एंड व्हाइट थीम में पेंट था। बड़ा सा किंग साइज बेड, थोड़ी ही दूरी पर एक सोफा, रूम में 3 डोर थे जिसमें एक बालकनी का था, दूसरा बाथरूम का और तीसरा ड्रेसिंग रूम। अयान को अपना रूम पसंद आ गया था। सर्वेंट उसको चेंज करने के लिए अनाया के भाई का ड्रेस देता है जो कि नए ही कपड़े का सेट था। जब तक उसके कपड़े न आ जाए अयान भी वो कपड़े लेके बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है, पर जाने से पहले अपने असिस्टेंट को मैसेज करके अपना सामान मित्तल मेंशन लाने को कहता है। अयान के वहां से जाने के बाद हॉल में बैठे सबके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले खुशी थी वो गायब हो जाती है। वहां पर दर्द और उदासी ने जगह ली। दादी सबसे कहती है अयान जब छोटा था तो कितना शरारती और हंसता खेलता बच्चा था, पर अब देखो ऋषि, अयान के पापा और आराधना, अयान की मॉम कि उस एक्सीडेंट में डेथ होने की बात, बच्चा बिल्कुल शांत ही हो गया। वो उस वक्त बस 5 साल का था। हमने जब उसको अपने साथ लाना चाहा तो उस वक्त उसकी फैमिली ने हमें उसके पास तक बिटकने नहीं दिया। इतना कहकर वो रोने लगी। दादू ने उनको संभाला और बोले चुप हो जाओ सुवर्णा, अब तो वो हमारे बीच है, हमारे पास। अब उसको हम इतना प्यार देंगे कि वो फिर से पहले के जैसा होगा। उनकी बात पर बड़ी माँ भी हाँ में हाँ मिलते हुए कहती है, हाँ मॉम आप शांत हो जाओ नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हम सब है ना अब उसके साथ। दादी सबके समझने पर शांत हो गई। अनाया के बड़े डैड और डैड अपनी मॉम के सामने घुटने पर बैठकर उनसे कहते है, मॉम हम जानते हैं आपके लिए ऋषि भी हमारे जैसे ही आपका बेटा था, अपने उसको बेटे का प्यार दिया है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, उसकी आखिरी निशानी अब हमारे पास है, हम उसको एक परिवार का प्यार देंगे। और साथ में वो ऐसा क्यों हो गया है बिना किसी इमोशन का, शांत, हम उसके बारे में पता लगाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना बस।
दादू भी अपने दोनों बेटे की बात पर सहमति जताते हुए अपनी वाइफ को सांत्वना देते हैं। विक्रांत राजावत उस होटल से निकलकर सीधा राजावत विला के अंदर चला गया, जहां पर सुरभि राजावत पहले से ही हाल में बैठकर उसका वेट कर रहा था। विक्रांत को आता देख सुरभि उनको पानी का ग्लास देती है। विक्रांत पानी पी लेता है। विक्रांत के पानी पीने के बाद सुरभि उससे पूछती है, चाचू आप जिस काम से गए वो काम हो गया क्या? वो बेहद ही बेसब्री से विक्रांत से ये सब पूछ रही थी। विक्रांत उसको इतना बेसब्र देख के उसको पहले शांत होने को कहता है। उसके बाद वो उसे कहता है, हाँ सब हमारे फीवर में ही है, अब बस कैसे भी करके मित्तल परिवार में अपनी जगह बनानी है, फिर सब हमारे मुताबिक ही होगा। उनकी बात पर सुरभि बेहद खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है, सच चाचू? विक्रांत राजावत उससे कहता है, हाँ गुड़िया मैं सच बोल रहा हूँ, तुमको बस कैसे भी करके अनाया मित्तल से दोस्ती करनी है, उसके करीब जाना है। उनकी बात पर सुरभि मून बनाकर कहती है, ओके चाचू मैं उस नक्चरी से दोस्ती करूंगी, पर आजकल मुझे उसका बिहेवर बदला बदला सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं भी आपकी ही भतीजी हूँ, मैं उससे दोस्ती और उसको मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करने पर मजबूर कर ही दूंगी। उसकी बात पर विक्रांत राजावत कहता है, ये हूँ ना सुरभि वाली बात। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। अनाया जब अपने रूम में आती है तो उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो अपना लैपटॉप लेके स्टडी टेबल पर बैठ जाती है। वो लैपटॉप पर कुछ करने लगती है। कब डिनर का टाइम हो जाता है इस बात का उसको ख्याल ही नहीं रहता। वो स्कूल के कपड़ों में ही लैपटॉप पर बैठकर अपना काम कर रही थी, जब उसके डोर पर नोक होता है और नौकरानी लिली की आवाज आती है, मिस सब डिनर का टाइम हो गया है। तब जाके उसको होश आता है कितने टाइम से वो लैपटॉप पकड़कर बैठी है। वो लिली से कहती है, हाँ आ रही हूँ। लिली वहां से चली जाती है। अनाया जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके वॉशरूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर के नीचे चली जाती है। अनाया ने ब्लैक कलर की जीन्स की शॉर्ट पहनी थी और उसके ऊपर बेबी पिंक कलर का दिलाशाती शर्ट जिसमें पांडा बना हुआ था उसने। वो बेहद ही क्यूट दिख रही थी। वो अपने ही दून में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया नीचे सीढ़ियों पर, जिसके चलते उसने एक सीढ़ी मिस कर दी, जिस वजह से वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसको अपनी बाहों में थाम लिया। अनाया ने गिरने की डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसको एहसास हुआ वो गिरी नहीं, तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने नीली आंखें दिखाई दी, जो कि उसको ही प्यार से देख रही थी। पर ये बस कुछ सेकंड के लिए ही, जैसे ही अयान ने अनाया को आंखें खोलते देखा, वैसे उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल दिए, जिस अनाया कंफ्यूजन में पड़ गई। अयान जिसने अनाया को गिरने से बचाया था, वो उसे ठीक से खड़ा कर वहां से नीचे चला जाता है। सब इस वक्त डाइनिंग टेबल पर थे, तो किसी का भी ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं चला गया। अनाया ने जब अयान को जाते देखा तो वो भी होश में आके उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आकर अपने दादू के पास बैठ गई। उसके एक साइड उसके दादी और दूसरे साइड उसके पापा थे। वही आज डाइनिंग टेबल पर अयान के लिए एक और चेयर लगी हुई थी। उन दोनों के आते ही सर्वेंट सबको खाना सर्व करते हैं और सब शांति से अपना अपना खाना खाने लगते हैं। तभी वह शांति को बंद करती हुई अनाया के फोन की आवाज आती है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो अनाया एक नजर अपनी फैमिली को देखती है और फिर पाने मोबाइल पर शो हो रहे नाम को वो फोन कट कर देती है। पर फिर से अगले सेकंड उसको उसी नंबर से कॉल आता है, तो उसके पास बैठे दादू उसको कॉल रिसीव करने को कहते हैं। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है, दूसरी तरफ से रावी की गुस्से भरी आवाज आती है, जो कि उससे कह रही है, अनु की बच्ची कहाँ पर है, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, कितनी बार कॉल किया मैंने तुझे, और तो और मैडम बुल भी गई कि तू आज शाम को मुझसे मिलने वाली थी, मैं कब से तेरे फोन का वेट कर रही थी, जब मैंने कॉल किया तो मैडम ने उठाया नहीं, तुमको पता है ना सिंगिंग कंपटीशन में बस 20 ही दिन रह गए हैं, तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, अभी तक तो तुमने सॉन्ग भी सिलेक्ट नहीं किया होगा, कैसे होगा सब, तुम
कल स्कूल आयो तब तुमको बताती हूँ, अब कुछ बोल क्या नहीं रही हूँ, कब से मैं ही बोल रही हूँ। रावी की बात पर अनाया ने अपना सर ना में हिला दिया और उससे कहती है, तुम मुझे बोलने दोगी तब मैं बोलूंगी ना, कब से तू ही बोल रही है। रावी कहती है, ओके ओके अब बोलना, अब क्यों नहीं बोल रही है। इस पर अनाया रावी से कहती है, चुप, एकदम चुप, अब मुंह से आवाज भी आई ना तो देख लेना कसे मुंह चलाए जा रही है। अनाया फिर सॉफ्ट टोन में उससे कहती है, आज के लिए सॉरी, मैं भूल गई थी, हम कल पक्का इस पर बात करेंगे, ओके अब तू डिनर करके सो जा, कल हम बात करेंगे। जिस पर रावी कहती है, ठीक है बाय। अनाया भी उसको बाय कहकर कॉल कट कर देती है। तभी उसकी नजर अपनी फैमिली पर जाती है, को अपना खाना छोड़कर उसकी तरफ ही देख रहे थे तो अनाया अपनी आईब्रो उचकाकर उनसे कहती है, क्या। जिस पर दादी कहती है, ये कौन थी और कौन सी कंपटीशन के बारे में बात कर रही थी। जिस पर अनाया कहती है, दादी वो रावी थी मेरी फ्रेंड, वो सिंगिंग कंपटीशन की बात कर रही थी जो कि 20 दिन बाद हमारे स्कूल में होने वाला है। दादू अनाया से कहते हैं, बेटा आपकी उस फ्रेंड को कभी घर पर लेके आओ, हम भी मिल लेंगे। अनाया कहती है, ठीक है दादू। सब बेहद खुश थे कि उनकी प्रिंसेस की कोई दोस्त भी थी, क्योंकि सब जानते थे अनाया को किसी से भी ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। और अभी उन लोगों ने रावी की बातें सुनी तो उनको इतना तो पता चला वो उनकी प्रिंसेस के बेहद करीब थी, तो सब उससे मिलना चाहते थे। उनको जानना था वो कैसी है, वो भी कायरा की तरह तो नहीं है ना, अगर कायरा की तरह होगी तो वो उससे अपनी प्रिंसेस को दूर ही रखेंगे, क्योंकि इतने सालों बाद उनको उनकी प्रिंसेस मिली थी, वो लोग उसको फिर से खो नहीं सकते थे। सभी अपने अपने मन में कुछ सोचते हुए डिनर कर रहे थे। अयान तो अपनी अनाया को ही निहार रहा था, किसी को भी पता चले बिना। उसने जब रावी की बात सुनी तो वो भी एक बार उसको मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि वो अच्छी है या नहीं। अगर उसके कुछ बुरे इंटेंशन हो गए तो वो उसको अनाया से दूर करने वाला था। सब अपने अपने सोच में डिनर करते हैं, पर किसी का भी अनाया के सिंगिंग कंपटीशन पर ध्यान नहीं दिया। सबको तो बस अनाया के फ्रेंड से मिलना था, उसके बारे में जानना था। सब अपना पाना डिनर करके थोड़ी देर गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। अयान भी उनके साथ ही बैठा था, उसको भी आज पता नहीं पर क्यों उनके पास बैठने का मन कर रहा था, नहीं तो वो हमेशा सबसे दूर ही रहता था अकेला अपने कमरे में अपने कंप्यूटर के साथ। पर आज उसको खुद को पता नहीं था आज वो क्यों उन सबके पास बैठता। अयान को इस बात का तो ये एहसास हो गया था कि वो अनाया को पसंद करता था या उसको उससे पहली नजर का प्यार हो गया था। शायद इसलिए ही उसको उसके साथ टाइम बिताना था, इसलिए वो ये पर बैठा था। वो बस उसको देखना चाहता था, उसके चेहरे पर की मुस्कान को देखने भर से ही उसको सुकून मिल रहा था। अगले सुबह अनाया जल्दी से रेडी होके अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकलती है। उसी वक्त अयान भी बाहर जाने को निकलता है तो अनाया के डैड अनाया को उसके स्कूल छोड़ने को कहते हैं, अगर अयान को कोई प्रॉब्लम न हो तो। अयान को तो यही चाहिए था, वो कैसे भी करके अनाया के साथ वक्त बिताना चाहता था। वो हर्षवर्धन जी को हा कहता है तो अनाया को न चेय हुए भी अपने डैड के कहने पर अयान के साथ स्कूल जाना पड़ता है। अयान और अनाया के जाते ही बड़े पापा अपने छोटे भाई से कहते हैं, हर्ष मैं जो सोच रहा हूँ तो वो तो नहीं करना चाहता ना। अपने भाई के ऐसे कहने से हर्षवर्धन जी हड़बड़ा जाते हैं। वो अपने भाई से आंखें चुराते हुए कहते हैं, भाई आप क्या सोच रहे हो, ये मुझे कैसे पता होगा। इतना कहकर अपने भाई के आगे के सवालों से बचने के लिए अपने भाई से कहते हैं, भाई आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं ऑफिस में। इतना कहकर वो वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा है। उनके वहां से जाते ही बड़े पापा यानी कि देवराज मित्तल अपने आप से ही कहते हैं, हर्ष मैं कोई बचा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बच्चे खुश रहे। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठ के अपनी मीटिंग के लिए चले जाते हैं।
कार में अयान और अनाया दोनों ही बैक सीट पर बैठे थे। अयान अपने मोबाइल में मेल चेक कर रहा था, पर वो अपनी चोर नजरों से अनाया को भी देख रहा था। अनाया को पता चले बगैर वो अनाया को ऐसे दिखा रहा था कि वो अपने फोन में बिजी है, पर उसका सारा ध्यान अनाया की हरकतों पर ही था। अनाया कार की विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी, तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है तो वो उसे देखती है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद वो कुछ लिखकर उसका रिप्लाई देकर अपना फोन साइलेंट करके अपने बैग में रख देती है। तभी उसकी नजर अयान पर जाती है जो उसी की तरफ देखता है, तो अनाया उसे अपनी तरफ देखता देखकर कहती है क्या, जिस पर अयान उससे कहते हैं तुम तो स्कूल जाती हो ना, तो मोबाइल मोबाइल अलाउड है क्या स्कूल में। पहले ही मैसेज पढ़कर अनाया का मूड ऑफ था और ऐसे अयान के उससे सवाल करने पर उसकी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुमसे मतलब, तुमको क्या करना है, जान के अपने काम से काम रखो। अयान तो बस उससे पूछ रहा था, पर वो ऐसे उस पर भड़क गई थी। अयान से आज तक किसी ने ऐसी बात तो क्या उसके सामने ऊंची आवाज भी नहीं निकली थी, और अभी अनाया ने उससे ऐसी बात की थी जिसे सुनते ही ड्राइवर के चेहरे पर घबराहट के चलते पसीने आ जाते हैं। उसके बॉस को गुस्सा ना आए और वो मिस को कुछ बोलना दे, पर उसकी सोच के उलट अयान इस बात को मुस्कुराकर टाल दी। अपने बॉस को ऐसे बिहेव करते और मुस्कुराते देखकर ड्राइवर को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खुद को शांत करके अपना ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित करता है, उसको अपनी इतनी अच्छी जॉब गंवानी नहीं थी। कार अनाया के स्कूल के आगे जाके रुकती है। कार के रुकते ही अनाया बिना अयान की तरफ ध्यान दिए जल्दी से डोर खोल कर कार से उतर कर स्कूल के गेट के अंदर चली जाती है। अयान जब तक उसकी तरफ देखता है जब तक वो उसके आंखों ले ओझल नहीं हो जाती। उसके बाद वो ड्राइवर को कार ऑफिस के जाने को कहता है। अनाया अपने क्लास में जाके अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। रावी अभी तक क्लास में नहीं आया थी, क्लास शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे, तभी रावी भागते हुई क्लास में एंटर करती है और अनाया के पास जाके बैठ जाती है। वो हाफ रही थी, अनाया उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ा देती है तो वो बिन कुछ कहे पानी पी लेती है, वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। अनाया उसकी तरफ देखकर कहती है क्या कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा था क्या जो तुम्हारी ये हालात हो गई है। जिस पर रावी मून बनाते हुए उससे कहती है कोई पागल कुत्ता पीछा नहीं पड़ा था, कार खराब हो गई थी इसलिए टैक्सी से आना पड़ा, क्लास स्टार्ट होने में बस 10 मिनट बचे थे इसलिए मैं ये पर दौड़ के आ गई थी। तभी कॉल्स में टीचर आती है जिसे दोनों शांत होके अपनी क्लास अटेंड करते हैं। एक बाद एक क्लास के बाद लंच ब्रेक में दोनों ही कैंटीन चले जाते हैं। तभी रावी अनाया से कहती है अनु हम आज क्लास के बाद तुम्हारी सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए मेरे घर चलेंगे। जिस पर अनाया उससे कहती है तुम्हारे घर नहीं, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, मेरी फैमिली के मेंबर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात और रावी खुशी से हामी भरती है। वो दोनों ऐसे ही बातें करते अपना लॉन्च कर रहे थे तभी वहां पर सुरभि आ जाती है और वो अनाया से कहती है ही अनाया क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकती हूँ, वो क्या है ना एक्चुअली सारी सीट फुल है, कोई जाग ही नहीं, तो क्या मैं ये बैठ सकती हूँ। अनाया एक बार उसकी तरफ देखती और फिर पूरे कैंटीन में सच में कोई भी सीट खाली नहीं थी तो वो उसे वहां पर बैठने की परमिशन दे देती है। उसके साथ नेहा भी थी, दोनों ही अनाया और रावी की सामने वाली सीट पर बैठ जाते है। रावी का तो उन दोनों को देखकर मून बन गया था। सुरभि बार बार अनाया से बात करने की कोशिश कर रही थी पर अनाया उसके सवाल पर बस हां हूं मैं ही जवाब दे रही थी, उसको उसके साथ बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सुरभि और कुछ उस कहती उससे पहले ही रावी और अनाया अपनी सीट से उठते और उन दोनों से अनाया कहती है हमारा हो गया, तुम लोग आराम से अपना लॉन्च करना बाय। उनके जाते हा सुरभि को बेहद गुस्सा आता है, वो अनाया से कितने प्यार से बात कर रही थी पर वो उसको बस हा हू ही कह रही थी, जैसे उसको सुरभि के साथ बात करने में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं था। सुरभि को अनाया पर बेहद गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके खुद से ही कहती है वो जितना एटीट्यूड दिखाना है
दिखा दो, मैं इन सब का बदला सुध समेत कर तुमसे लूंगी अनाया, देख लेना। शहर के बीचों बीच एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 14 फ्लोर पर बने एक 4 BHK फ्लैट के एक रूम में 3 लोग कंप्यूटर के सामने बैठकर किसी की जासूसी कर रहे थे। तभी कंप्यूटर के स्क्रीन पर उनको कुछ ऐसा दिखता जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तीनों के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। ये तीनों और कोई नहीं बल्कि मारिया, विवान और शेखर होते हैं। अपने आगे की फुटेज देखकर मारिया विवान की तरफ देखकर उससे कहती है, विवान जल्दी से कार लेके अनु के स्कूल पहुंचो और शेखर तुम शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जल्दी निकलो, मैं तुम सबको आगे की सारी इंस्ट्रक्शन और इन सब के हर एक कदम के बारे में बताती रहूंगी। मारिया की बात और वक्त की नजाकत देख के दोनों ही मारिया के ऑर्डर मानकर जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अनाया को इस वक्त अपनी इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रही थी। तभी अचानक उसकी बेचैनी होने लगती है, जैसे कुछ बेहद बुरा होने वाला है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर डेट पर चली जाती है, आज द 25th of October, जिसको देख के उसको कुछ याद आता है। जिसको याद आते ही वो बेहद घबरा जाती। अपनी घड़ी पर टाइम देखती है तो उसमें 2 बजे थे। अभी भी उसके पास 1 घंटा था। वो जल्दी से चालू क्लास से उठकर बिना किसी का इंतजार किए क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। सारे स्टूडेंट और टीचर उसको ऐसे कॉल से भागते हुए देख रहे थे। टीचर को अनाया के बैकग्राउंड के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो उसके इस तरह अचानक रूम से बिना किसी परमिशन का जाते देख के कुछ नहीं कहती। पर क्लास में बैठे स्टूडेंट अपने आप में खुशूर फुशूर करने लगते हैं, जिसे देख टीचर उनकी डांटती है और उनको पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है। स्टूडेंट भी टीचर के डर से चुप होकर टीचर जी पढ़ा रही थी उस पर ध्यान देने लगता है। रावी को अनाया को ऐसे क्लास से भागते देख कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अनाया ऐसे बीच में क्लास से उठकर चली गई। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस स्कूल के बाद अनाया से इस बारे में पूछेगी, ये सोचकर वो आगे क्लास पर ध्यान देने लगती है। इधर अनाया क्लास से निकलकर सीधा स्कूल के बाहर पर गेट की तरफ चली जाती है। गेट पर पहुंचन पर वो जैसे ही कोई टैक्सी रोकने वाली थी, तभी उसके सामने एक जानी पहचानी कार आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख अनाया जल्दी से उस कार का बैक डोर खोल उसमें बैठ जाती है। अनाया के कार में बैठते ही वो कार वहां से हवा को चीरते हुए निकल जाती है। अनाया कार में बैठ के कार चला रहे विवान से कहती है, विवान कार शहर के बाहर के हाईवे की तरफ ले चलो। अनाया जैसे कहती विवान वैसे ही करता है, पर उसको ये बात अजीब लगती है, या यूं कहे खटक जाती है अनाया को। तो उसने अभी तक बताया ही नहीं, गिर भी अनाया को कैसे पता चला वो कार को हाईवे की तरफ ले जाने को कह रही है। पर वो अभी अनाया से कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि अभी अनाया बेहद ही टेंस और घबराई हुई दिख रही थी। इसलिए वो अभी चुप ही रहकर तेजी से अपनी कार को शहर के बाहर के हाईवे की तरफ बढ़ा रहा था। अनाया अपनी वॉच में टाइम देखती है तो उसके पास अभी भी 30 मिनट्स थे। कुछ ही समय में वो शहर के बाहर जाने वाले हाईवे तक पहुंच गए थे। अनाया जब वहां जाके देखती है तो वो एक राहत की सांस लेता है। उसके पिछले जन्म में इस वक्त जो हुआ था वो अभी तक नहीं हुआ था। इसका मतलब अभी उसके हाथ में वक्त था। वो जो भी आगे होने वाला था उसको बदल सकती थी। अनाया विवान को कार सामने के ब्रिज के थोड़े पीछे ही रोकने को कहती है। विवान भी अनाया की बात मानकर कार ब्रिज के कुछ दूरी और रोक देता है। कार के रुकते ही अनाया कार से निकलकर उस ब्रिज के कुछ कदम दूरी पर जाकर खड़ी होकर उस ब्रिज की तरफ देखती है। तभी उसके सामने जो उसके पिछली जन्म में हुआ था उसकी कुछ यादें याद आती है। उसकी पिछली लाइफ में विक्रांत राजावत ने मित्तल ग्रुप और मित्तल फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए एक बेहद बड़ा षड्यंत्र रचा था। आज अनाया के डैड अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ इस ब्रिज से होते हुए शहर के बाहर उनके न्यू प्रोजेक्ट की जमीन देखने जा रहे थे। इस बात का पता विक्रांत राजावत को पता चल चुका था।
वो जानता था ये डील मित्तल ग्रुप के लिए कितनी जरूरी थी और अगर ये डील फाइनल हुई तो मित्तल ग्रुप टॉप 10 पोजीशन से टॉप 5 में पहुंच सकता है। विक्रांत राजावत किसी भी हालत में ये होने देने वाला नहीं था और उसी के साथ अगर उसने हर्षवर्धन मित्तल के साथ आए हुए इम्पोर्टेंट क्लाइंट की अगर धोखे से मर दिया तो इसका मित्तल कॉरपोरेशन पर बुरा इफेक्ट पड़ने वाला था। ये सारी बातें सोचकर विक्रांत राजावत ने शहर के बाहर जाने वाले रास्ते के बीच के पुल पर बॉम्ब फिट किया था। जैसे ही मित्तल ग्रुप की कार यहां से जाएंगी वैसे ही बॉम्ब स्पॉट होने वाला था और पुल के साथ वो कार ब्रिज के नीचे की गहरी नदी में जाने वाली थी जिसमें गिरने पर किसका भी बचना मुश्किल था। विक्रांत राजावत का ये प्लान पिछली जन्म में सफल हो गया था। अनाया के डैड और उनके साथ आए फॉरेन क्लाइंट की कार जैसे ही इस ब्रिज के बीचों बीच आ गई वैसे ही ये ब्रिज ब्लास्ट किया गया जिससे इस ब्रिज में जो भी मित्तल ग्रुप की कर थी और साथ में बाकी के लोगों की सारी ब्रिज में ब्लास्ट होते ही ब्रिज के साथ नदी मैं गिर गई। इस हादसे में अनाया के डैड के साथ जो फॉरेन क्लाइंट आए थे सारे मारे गए। साथ में अनाया के डैड के साथ आए हुए उनके सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड और ड्राइवर ऑफिस के कुछ स्टाफ सब मर गए थे। अनाया को डैड को इस वक्त विक्रांत राजावत ने बचा लिया था पर उनकी कंडीशन बेहद खराब थी। अनाया के डैड 1 साल तक हॉस्पिटल में थे। उनके पैर में इंजुरी हो गई थी जिसके चलते उनकी 4 ऑपरेशन करने पड़े। उसके बाद कहीं वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए पर वो ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़े या चल नहीं सकते थे। इस दौरान अनाया के डैड को बचाने विजय से विक्रांत को मित्तल फैमिली में जगह में जग मिल गई थी। सब उसको बेहद मानते थे। उसका एक बड़ा यहसन मित्तल खानदान पर था। उसके वेजेस हर्षवर्धन मित्तल जिंदा था पर इस 1 ईयर में मित्तल ग्रुप को बेहद नुकसान सहना पड़ा। उनके क्लाइंट का उनके ऊपर से विश्वास उड़ गया। शेयर में काफी गिरावट आई। देवराज मित्तल को ये सब अकेले संभलना मुश्किल हो रहा था। वो ज्यादा कंपनी में ध्यान नहीं देते थे। सब हर्षवर्धन मित्तल ही संभालते थे पर अब जब वो हॉस्पिटल में है तो उनको बेहद सारी दिक्कतें आ रही थी। अनाया के दोनों भाई उनकी मदद कर रहे थे पर विक्रांत बाहर से मुश्किलें बढ़ा रहा था। इसी में विक्रांत ने मित्तल ग्रुप में एंट्री की थी। मसीहा बनकर जब उनको कोई मदद नहीं कर रहा था तब विक्रांत राजावत मसीहा बन कर आया था। इसी के चलते वो मित्तल परिवार का विश्वास पात्र हो गया था। अनाया ने पिछले जन्म में इन सब में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था पर उसको अपने डैड की इस एक्सीडेंट के बारे में पता लगा था। तब उसने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की। तब उसके हाथ में कुछ नहीं आया था पर पिछले जन्म में विक्रांत राजावत ने खुद अपने मुंह से सब अनाया के सामने सच उगल दिया था तो अनाया इस बारे में सब जानती थी। इसलिए अभी जब स्कूल में उसको बेचैनी महसूस हुई तो उसको कुछ गलत होने का अंदेशा लग गया था। उसके पिछले जन्म में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था पर उसने उस वक्त इसको नजरअंदाज कर दिया था। पर उसको बाद में अपने डैड के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तब अपनी बेचैनी का खरा कारण पता चला। इस बार जब फिर से उसके साथ वही सब हुआ तब उसकी नजर डेट पर पड़ गई। तब उसको सब पता चला गया और वो घबराकर जल्दी से क्लास से निकल ये पर आ गई थी। वो ये सब सोच ही रही थी तभी विवान की आवाज से वो होश में आ जाती है। वो विवान की बातों को इग्नोर कर उस से कहती है विवान इस ब्रिज पर बॉम्ब फिट किया गया है। जल्दी से बॉम्ब डिटेक्ट करने वाले स्क्वाड को इन फॉर्म करो और साथ में पुलिस को भी और ये ब्रिज अभी दोनों तरफ से खाली करना होगा। जल्दी से अपने आदमियों को कांटेक्ट करो और जल्द से जल्द डिपार्टमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करो। उसने इतना ही कहा था कि उसे पाने सामने से अपने डैड की करो का काफिला इसी और आता हुआ देखा। इस बार जब फिर से उसके साथ वही सब हुआ तब उसकी नजर डेट पर पड़ गई। तब उसको सब पता चला गया और वो घबराकर जल्दी से क्लास से निकल ये पर आ गई थी। वो ये सब सोच ही रही थी तभी विवान की आवाज से वो होश में आ जाती है। वो विवान की बातों को इग्नोर कर उस से कहती है विवान इस ब्रिज पर बॉम्ब फिट किया गया है। जल्दी से बॉम्ब डिटेक्ट करने वाले स्क्वाड को इन फॉर्म करो और साथ में पुलिस को भी और ये ब्रिज अभी दोनों तरफ से खाली करना होगा। जल्दी से अपने आदमियों को
कॉन्टैक्ट करो और जल्द से जल्द डिपार्टमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करो। उसने इतना ही कहा था कि उसे पाने सामने से अपने डैड की कारों का काफिला इसी ओर आता हुआ देखा। अनाया अपने डैड के कारों का काफिला ब्रिज की तरफ बढ़ता देखती है तो उसकी धड़कने बढ़ने लगती है डैड की। कर कुछ ही पल में ब्रिज पर पावन वाली थी अनाया खुद को शांत करके जल्दी से बिना किसी बात की परवाह कर के रास्ते के बीचों बीच जाके खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठकर क्रॉस करती और गाड़ी रोकने का इशारा करती है। ड्राइवर अचानक अपने सामने किसी लड़की का बीच में खड़े होने और गाड़ी रोकने के इशारा करने पर बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को स्पीड कम करके पानी कार रोक देता है। कर ठीक अनाया के आगे आके रुकती है। कर और अनाया के बीच बस वन कदम की दूरी थी। अगर थोड़ी भी देर हो गति होती तो अनाया को बेहद बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। आगे की कार रुकते ही पीछे वाली सभी कार भी उसके पीछे ही रुक जाती है। कार में बैठे हर्षवर्धन जी को इसे अचानक कार के बीच में ही रुक जाने से कुछ भी समझ नहीं आता। कार को ऐसे बीच सड़क में क्यों रखा गया वो इस बारे में अपने ड्राइवर से पूछते हैं। तो ड्राइवर कहता है सिर्फ कोई लड़की बीच में आकर खड़ी हो गई थी इसलिए ड्राइवर ने इतना ही कहा था कि हर्षवर्धन के कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी जिसे सुनते ही वो खुद से ही कहते हैं ये तो प्रिंसेस की आवाज है पर वो तो इस वक्त स्कूल में होगी। यह पर कैसे वो यही सोच रहे थे कि फिर से उनके कानों में अनाया की आवाज आती है जो कि हर्षवर्धन जी के बॉडीगार्ड के साथ झगड़ा कर रही थी। आज हर्षवर्धन अपने साथ जो भी सिक्योरिटी टीम लेके आई थी वो सारे गार्ड नए थे। इन्होंने कुछ ही दिनों पहले ड्यूटी ज्वाइन की थी इसलिए ये अनाया को पहचान नहीं पाए और वैसे भी अनाया ज्यादा देर पब्लिक और मीडिया के सामने नहीं आती थी। आती तो भी वो अपनी मित्तल खानदान की बेटी की पहचान हमेशा छुपा कर रखती थी। हर्षवर्धन जी अनाया की आवाज सुनकर जल्दी से कार से निकलकर आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो उनको वहां पर अनाया उनके बॉडीगार्ड से कुछ बातें करते हुए दिखती है। अनाया को देखकर हर्षवर्धन जी जल्दी से उसके पास जाकर कहते हैं अनु तुम ये पर क्या कर रही हो। अपने डैड को देखकर अनाया जल्दी से उनके पास जाके कहती है डैड ब्रिज पर बॉम्ब फिट किया है आप सब जल्दी से यह से निकली किसी भी वक्त पर ब्रिज ब्लास्ट हो सकता है। अनाया की बात कार से अभी बाहर आए हुए उनके फॉरेन क्लाइंट भी सुन लो थी वो इस बारे में हर्षवर्धन जी से कहते हैं मिस्टर हर्षवर्धन मित्तल ये लड़की क्या कह रही है क्या सच में ब्रिज पर बॉम्ब फिक्स किया है। उनकी बात सुनकर हर्षवर्धन जी जो सवाल अभी अपनी बेटी से पूछने वाले थे वो न पूछकर अपने क्लाइंट के पास जाके उनको कुछ कहने ही वाले थे कि तभी वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट की तेज आवाज हुई और देखते ही देखते उनके सामने वो 700 मीटर लंबा ब्रिज नीचे गिर गया। उन सबकी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई। ये तो अच्छा हुआ अनाया और विवान ने मिले पहले ही दोनों तरफ की कार को पहले से ब्रिज से थोड़ी दूरी पर ही रोका था नहीं तो अभी बेहद बड़ा हादसा हो जाता। तभी वहां पर शेखर अपने साथ पुलिस को लेके आ गया। उसके साथ डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी थी पर बागवान के और अनाया और विवान के कार को ब्रिज के कुछ दूरी पर जी रोकने के कारण कोई भी जीवित हानि नहीं हुई। शेखर सीधा अनाया के पास आ गया वो ठीक तो है ना ये देखने के लिए शेखर को अपनी तरफ आता देखकर अनाया उसको कुछ समझती जिसे सुन के शेखर जल्दी से वहां से चला जाता है। अनाया जल्दी से अपने डैड और उनके साथ आए फॉरेन क्लाइंट को कार में बैठने को कहती है। उनका इस तरह सड़क पर ऐसे खड़ा होना ठीक नहीं था क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं था। वो अच्छे तरह से जानती थी विक्रांत राजावत के पास अब तक ये खबर पहुंच गई होगी कि उसका प्लान फेल हो गया और अब इस वक्त बेहद ही गुस्से में लग रहा होगा और उसने अपनी दूसरी चाल भी चल दी होगी क्योंकि वो इतना तो विक्रांत को जानती थी उसने जरूर प्लान बी भी सोचा होगा और अब तक वो प्लान बी पर काम करने पर लग भी गया होगा इसलिए वो अब कोई भी गलती नहीं करना चाहती। उसके पिछले जन्म में तो विक्रांत राजावत को प्लान बी की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी पर उस बार उसका प्लान अफेल हो गया था तो अब उसने अपने प्लान बी पर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा।
अनाया ने बिल्कुल सही समझा था। विक्रांत राजावत को जब अपने प्लान अ के फेल होने की खबर मिली तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर प्लान बी स्टार्ट कर दिया था। विक्रांत जो अभी शहर के बाहर जाने वाले रास्ते से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, वो गुस्से से कहता है, हर्षवर्धन मित्तल, तुम्हारी किस्मत तो बेहद अच्छी है जो मेरे इस एक वार से तो बच गए, पर अब मेरे दूसरे वार से कैसे बचाएंगे खुद को, क्योंकि पहले में तो मैं तुमको बचाने वाला था, पर इस बार नहीं, अब मुझे तुम्हारी मौत देखनी है। इतना कहकर वो अपने पास खड़े असिस्टेंट को कुछ कहता है और अपनी कार ब्लास्ट वाले ब्रिज की तरफ बढ़ा देता है। अनाया अपने डैड को कार में बैठ के जल्दी से ड्राइवर को वहां से घर की तरफ चलने को कहती है। कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उनके सामने की हाथ से सब डर हुए थे। अनाया के डैड उसको भी कार में बैठने को कहते हैं तो अनाया अपने डैड की बात कर वो भी कार में बैठ जाती और वो सारी कार मित्तल मेंशन की तरफ निकल पड़ती है। अनाया कार में बैठ अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर विवान और शेखर को सेंड करती है। उनकी कार वहां से कुछ ही दूरी पर जाने के बाद अनवर अचानक हमला हो जाता है। सारी कार बुलेट प्रूफ होने से किसी को कुछ नहीं होता, पर अगर वो ज्यादा देर तक ऐसे ही रहेंगे तो किसका भी बचना नामुमकिन था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।